N24 पर आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। लखीमपुर से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है। यहां SP कार्यालय में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने डीजल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। मिली जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर मार मार कर थक गया था, लेकिन उसका केस दर्ज नहीं किया गया। यहां तक कि थाने जाने पर महिला दरोगा ने बुजुर्ग को वहां से भगाया भी। इस सबसे हताश पीड़ित बुजुर्ग ने डीजल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। और हम कल परसों एप्लीकेशन दिए और कल जो है साधना यादव हमको कोतवाली से भगाए दी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और उनके सिवा के रिश्तेदार हमारे बगल में रहते हैं, वो सब ये करा रहे हैं हमारे साथ। यहाँ क्या हुआ था? जहाँ हम साहब आए एप्लीकेशन दिए, हमारा दिमाग नहीं काम कर। हम एप्लीकेशन साहब दिए हैं, डीएम साहब ने क्या डाले अपने ऊपर, क्या डाल लिया? हम डीजल छीन लिए, आग ही लगा लिया, जान हत्या कर ली। योगी जी तो कह रहे हैं जाएंगे नहीं, योगी जी तो कह रहे हैं सुनी जाएगी। ओके जी, कुछ भी करें हम नाई कर जान रहे हैं। अब आपको जो आप आश्वासन दे रहे हैं, इससे पहले कोई दिया किसी ने? हम सब तिवारा हमारे साथ हो रहा है। एप्लीकेशन दयान 3 बार वहाँ लखनऊ में जो है सुनवाई नहीं हुई, मुख्यमंत्री जी के हुआ। आपको क्या लगता है, आप FIR लिख जाएगी जब आपने आग लगाने की कोशिश? कोई बात नहीं, लग गया। हम सरकार पर हने नहीं, इनकी लिखा पड़े तो हम चले जाएंगे। कुछ नहीं पता चला, अरे कुछ मंजू चाहिए कि ड्राइवर? मंजू तो आपके का ड्राइवर है, तो उसके जरिए से हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। कौन मंजू त्यागी? कौन मंजू त्यागी? फूल बहन के नहीं। इस पूरे मामले पर पुलिस का भी पक्ष सामने आया है, वो भी सुनिए। एसपी ऑफिस के सामने एक महिला ने आज क्या है, उसका ये कहना कि उसके प्राप्तकर्ता पर उसकी लड़की को आरोपी द्वारा भगा लेने संबंधी कार्रवाई की गई है, ये गलत है। जबकि सूचना ये है कि इस संदर्भ में उनके प्राप्तकर्ता के द्वारा संदर्भ में लड़की को भगा लेने संबंधी आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है, जिसे चल रही है। लड़की ब्राह्मी के लिए और आत्महत्या के लिए सी एस साहब ने दो टीम गठित है। लड़की बहुत जल्दी बरामद होगी, की जाएगी और आरोपी को खड़ा की जाएगी।